बेटा वो गन है। नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। अभी अभी जो दृश्य हमने देखा वो काफी चौंका देने वाला है। एक 11 साल की बच्ची आयुषी ने अपने ही घर वालों पर पिस्तौल तान रखी थी, और ये भी आप समझ ही गए होंगे कि उसके हाथ में कोई खिलौना नहीं बल्कि असली में पिस्तौल है, जो अगर गलती से चल जाए तो उसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। आप सबके मन में ये सवाल जरूर चल रहा होगा कि आखिर ये 11 साल की बच्ची इस खतरनाक हथियार के साथ क्या कर रही है। लेकिन उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ऐसे वो कौन से हालात थे जिसकी वजह से इस बच्ची को यह हथियार उठाना पड़ा। क्या उसके साथ कुछ गलत हो रहा था? अगर हाँ तो आखिर कौन था जो उसके साथ ऐसा कर रहा था? अरे बाप रे आयुषी, 8:30 बजले, लवकर कर वरना हमेशा की तरह लेट हो जाएगी स्कूल के लिए। बेटा टिफिन लेके जाओ। आयुषी जी, बेटा टिफिन लेके जाओ। चल गा आयुषी, उसी रो तो है वरना आज भी स्कूल में लेट हो जाएगी तू। हाँ, बाय आजू बा। बाबा आपका नाश्ता लगा दूं? हाँ बेटा आप तो लगा दो। और आपका आई? नहीं मैं बाद में खाऊंगी। शायद मैथ्स में मेरे मार्क्स कम आएंगे। ये क्या हुआ? वो कुछ नहीं, घर पे गिर गई थी। आयुषी कमिया, ये क्या है? तुम फिर से मैथ्स में फेल हो गई? कल साइंस का रिजल्ट आने वाला है, और अगर उसमें फेल हुई ना तो बिना बोले अपने पेरेंट्स को लेकर आना। समझ में आई बात? यस सर। गो टू योर सीट। आयुषी कम। ये क्या हुआ? वो गरम गरम क्रीम मेरे बाजू पे लग गई। गो। देखिए मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैंने पहले भी आयुषी के शरीर पे ऐसे चोटों के निशान देखे हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे नहीं मैम, आप बेवजह घबरा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी जहाँ तक उसका ख्याल रखने की बात है, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है कि उसका ध्यान कैसे रखना है। थैंक यू। चलो मिस्टर रंजन देशमुख जी। साहब आयुषी छोटी बच्ची है, बच्चों के साथ खेलती रहती है, शरारत करती है, अभी बच्चों को चोट नहीं लगेगी तो किसे लगेगी? और अगर इसके साथ कुछ गलत हो रहा होता तो ये सब कुछ जानकर हम चुप बैठते क्या? हमें आयुषी से अकेले में बात करनी है। आप लोग अंदर जाएं। बेटा आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, आप हमें सब कुछ सच सच बता सकते हो। पुलिस अंकल आपकी मदद के लिए आए हैं ना? ये चोट आपको कैसे लगी? वो गरम गरम स्त्री मेरे हाथ पे लग गई थी, और ये वाला स्कूल में खेल रही थी तो झूले से गिर गई। कहीं आप हमसे झूठ बोलने की कोशिश तो नहीं करें आयुषी? सर ये आयुषी केस के बारे में आपको क्या लगता है? सही, कुछ तो प्रॉब्लम है इस लड़की में। एक काम करते, इसका मेडिकल करो, कोर्ट से ऑर्डर। ओके सर। आयुषी को देखकर पुलिस को ऐसा लग रहा था कि वो किसी दबाव की वजह से सच नहीं बोल पा रही है। शायद वो अपने परिवार के डर की वजह से सच नहीं बोलना चाहती थी। ऐसे में सच पता लगाने का पुलिस के पास सिर्फ एक ही तरीका बचा था, और वो था मेडिकल टेस्ट। टेस्ट से ये बातें साफ हो सकती थी कि आयुषी के शरीर पर लगी चोटें महज एक एक्सीडेंट है या फिर वाकई उसके साथ कुछ बुरा हो रहा था।
सर आयुषी मिली क्या? मिली मतलब कहाँ है आयुषी? आयुषी लापता है, मेरी बहू और बेटे दोनों पुलिस स्टेशन गए हैं उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। क्या? रोज की तरह मैंने उसको स्कूल छोड़ा और फिर मैं अपने काम के लिए निकल गया। सर शाम को जब मैं उसे लेने गई तो पता चला वो स्कूल में नहीं थी। साहब मलाश बांटते हैं कि वो घर छोड़कर भाग गई है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? कविता के पास से पैसे गायब है। पर आयुषी के घर से भागने की वजह क्या हो सकती? सर वो मैथ के टेस्ट में फेल हो गई थी। लक्षक उड़ा गुजरा, यहाँ पर मैं अपने पैसे बचा बचा कर खर्चे कम कर घर में इसको पढ़ाई करा रहा हूँ और ये है जो पैसे बर्बाद कर रही है। अभी साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं ना, है ना? क्या रंजन ने उसके ऊपर हाथ उठाया था? सर मैंने तो बस उसको डांटा था, बेटी है वो मेरी, हमेशा एग्जाम में फेल होती रहती है, अगर माँ बाप उसको नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेगा सर, और वो भी उसकी भलाई के लिए सिर्फ। तो आपको लगता है कि सिर्फ हाथ मोड़ने की वजह से वो घर से भाग गई? कहानी कुछ अजीब नहीं लग रही है? साहब ये कोई कहानी नहीं है, एक्चुअली कुछ दिनों से आयुषी का बर्ताव बहुत अजीब सा था। बेटा चलेंगे। मम्मी मैंने अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया है, चलिए ना घूम कर आते हैं। बाद में जाएंगे बेटा, देख रहे हो ना मैं उसे दूध पिला रही हूँ। मम्मी चलो ना प्लीज। तुम देख रहे हो ना मैं उसे दूध पिला रही हूँ, बाद में चलेंगे। अच्छा एक काम करो, ऊपर जाके प्रेस के कपड़े अलमारी में रख, चलो। सर बात दरअसल ऐसे है कि पलक के पैदा होते ही आयुषी के बर्ताव में काफ़ी बदलाव हो चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी माँ दो हिस्सों में बढ़ चुकी है और वो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो अपनी माँ का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए आयुषी अपने आप को चोटें पहुँचाने लगी। आयुषी की एक फोटो दे दीजिए, हम फौरन तलाशी शुरू करते हैं। ये लीजिए सर। सर कैसे भी मेरी बच्ची को ढूंढ निकालिए प्लीज, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। साहब असुने गोस्ट, आयुषी के लिए और कोई खतरा हो ना हो, वो खुद के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये तू, तुझे पता है कितना बजा है? और अभी अंधेरा है, मैं थोड़ी देर और सो जाऊं। तुझे मैंने बताया था ना कि आधे की स्कूल की बस 7 बजे आती है और उसके पहले तुझे उसे तैयार करना, उसका टिफिन भी तैयार करना है, पता है ना? पर अभी तो सुन जिया, ये मेरा घर है और यहाँ हुकूमत मेरी ही चलेगी, समझे? तो चल जल्दी उठ। पुलिस लगातार जी जान से आयुषी की तलाश में जुटी हुई थी लेकिन अब तक कोई सुराग उनके हाथ नहीं लगा था। पर क्या वाकई में आयुषी को कोई दिमागी परेशानी थी जिसकी वजह से वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरनाक बन चुकी थी? वहीं दूसरी तरफ आयुषी जिस परिवार के साथ रह रही थी वो उसकी जान पहचान के लग रहे थे। आखिर कौन थे ये लोग? आयुषी इन तक कैसे पहुंची और वो इनके साथ क्यों रह रही थी? क्या आयुषी के सर पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा था? सर आयुषी को गायब हुए 24 घंटे हो चुके हैं, इसलिए मैंने उसके फोटो पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दिए। सिर्फ आस पास ही नहीं, महाराष्ट्र के हर पुलिस स्टेशन में उसकी तस्वीर सर्कुलेट करवा था। ये रंजन हमसे सच बोल रहा है या कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है? सर एक्चुअली पूछा जाए तो ये रंजन की कहानी मेरे गले से तो नहीं उतर रही है। जो लड़की अपनी माँ का अटेंशन पाने के लिए खुद को चोट पहुँचा सकती है, वही लड़की डांट या मार खाने के डर से घर से भाग भी जाती है। सही कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग खुद आयुषी से छुटकारा पाना चाहते हो? उसके गायब होने में इन्हीं लोग कहाँ था? शक्यता है हमें आयुषी और उसके परिवार के बीच की केमिस्ट्री पता करनी है। नहीं सर ये कोई पहली बार नहीं है, मैंने अक्सर आयुषी के बदन पे चोटों के निशान देखे हैं। आपने स्कूल में पूछताछ की थी? क्या किसी ने उस रोज रंजन को यहाँ आयुषी को ड्रॉप करते हुए देखा? नहीं सर मैंने वॉचमैन और काफी स्टूडेंट से भी पूछा था लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। आप आयुषी के बारे में क्या जानती है? वो तो काफी शांत और शर्मीली लड़की है, ज्यादातर बात नहीं करती, हमेशा अपनी माँ के साथ ही घूमती थी। तुम और आयुषी बहुत अच्छे दोस्त हो ना?
उसके पैर में चोट लगी थी। कैसे लगी थी, कुछ बताया था उसने? आयुषी ने बताया था कि वो घर पे गिर गई थी, इसकी वजह से उसके पैर में चोट लग गई। अच्छा, उसने इस बात का कभी चर्चा किया था आपसे कि उसे घर में मारा पीटा जाता है? हाँ सर, आयुषी को घर पे बहुत मार पड़ती थी। आयुषी नहीं, आयुषी आ देख, बाद में तेरी कैसी हालत है, तो चल 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 अंदर। लेकिन राजन आयुषी को मारता क्यों था? उसकी छोटी बहन पलक, उसके बारे में? जब पलक पैदा भी नहीं हुई थी तो आयुषी बताया करती थी कि पलक भी बाकी भाई बहनों की तरह पेट में ही मर जाएंगे। क्या हुआ? फोन चाहिए। फोन चाहिए तुझे? हाँ, एसटीडी कॉल भी कर ले, बिल तो तेरा बाप भरता है ना, जा फोन वगैरह नहीं मिलेगा, जाके साफ सफाई कर जा, जा कहा ना? यही बताओगे या पुलिस स्टेशन में? हाँ साहब, उस दिन आयुष को मैंने बहुत पीटा था। वो तो हमें पता है, क्यों पीटा था ये बताओ। वो सर उसने काम ही ऐसा किया था। साहब पता नहीं उस पर कौन सा भूत सवार हो गया था, उसकी वजह से कविता के पेट में ही बच्चा मर गया। ऐसा उसने पहली बार नहीं किया था, उसके वजह से मेरे 7 मिसकैरेजेस हो चुके थे। अगर इससे पहले 7 मिसकैरेजेस हो चुके हैं तो फिर पलक कैसे बच गई? साहब, पलक के वक्त हमने इसका कितना ख्याल रखा ये हम ही जानते हैं, एक मिनट के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ा। आ जा रही है, तेरी हिम्मत कैसी हो रही मेरा फोन हाथ लगाने की? चल फोन दे मेरा। नहीं, एक बार बोला तो सुनाई नहीं दे रहा तुझे, चल फोन वापस दे। नहीं, चारकोल पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, मैं आयुषी देशमुख के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कौन बोल रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है साहब, मैं कौन हूँ? कभी तो आपको सच बताएगी नहीं साहब, क्योंकि उसके घर वाले उसे बहुत टॉर्चर करते हैं साहब। आप सबसे पहले उसे बचाओ साहब। उसको बचाने वाला कोई नहीं है साहब, उसका भाई भी उसकी मदद नहीं करता साहब। हेलो देसाई, फॉरेंस कॉल को ट्रेस करो। बहुत आसान है, आओ मैं बताती हूँ। बहुत पहले की बात है, एक बहुत बड़ी गुफा थी। एक शेरनी अपने बच्चों को बारिश से बचाने के लिए एक गुफा ढूंढ रही। जब उसने ये गुफा देखी तो इस गुफा का चक्कर लगाया ये देखने के लिए कि ये गुफा सेफ है कि नहीं, और जब उसे ये जगह सेफ लगी तो अपने बच्चों के साथ उस गुफा में चली गई। डबल 2 4 5 8 9 ये तुम्हारा ही नंबर है? हाँ सब, हमारे पीसीओ का नंबर है। 2 घंटे पहले यहाँ से एक आदमी ने फोन किया था, वो आदमी कौन है तुम जानते हो? सब रोज आकर यहाँ कितने लोग फोन करके जाते हैं, कहाँ कुछ याद रहता है। हाँ, अगर वो सामने आ जाए ना तो मैं जरूर पहचानूंगा। नहीं हो साहब, 12 साल हो गए मेरी शादी को,
आज तक मैंने अपनी वाइफ पर भी हाथ नहीं उठाया। तो मारपीट तो करना बहुत दूर की बात है, आप पूछ सकते हो मेरी वाइफ को। साहब मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, पर हाँ उस दिन मैंने आयुषी को मारा था, पर तब उसकी गलती बहुत बड़ी थी। और उसके बॉडी पर आप जो भी निशान देख रहे हो ना, वो सब उसके खुद के बनाए हुए। नहीं सर, ये झूठ है, इन्होंने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया सर। हाँ सर, मेरे बेटे ने आज तक इस पर हाथ नहीं उठाया, और मैंने उसे इस तरह की परवरिश भी नहीं दी है। मुझे मेरे परवरिश पर पूरा भरोसा है। सर, इस घर में मेरे होते हुए किसी औरत पर हाथ नहीं उठ सकता। और वैसे आप आयुषी को ढूंढने के बजाय मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप जाकर आयुषी को क्यों नहीं ढूंढते? हमें किसे ढूंढना और किसे नहीं, और अपना काम कैसे करना बखूबी आता है। आपका आपके भाई के साथ रिश्ता कैसा है? ठीक है सर। बस ठीक है क्या? आप लोग आपस में बातचीत नहीं होती? तूने मुझे मार के बहुत बड़ी भूल की है। इस कमरे की साफ सफाई हो गई क्या? तू इतने काय करते हो? मैं वो बाइक का कपड़ा लेने आया था, बाइक पोंछने के लिए। ले लिया? ओ चल जा, ये क्या करके रखा है तूने? हाँ मतलब तुझे साफ सफाई करने नहीं हुआ? चल झाड़ू उठा, झाड़ू उठा, जल्दी कर, चल ये सब हटा यहाँ से, जल्दी कर फटाफट। हाँ सर, कविता मेरी ही बहन है, लेकिन हम दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। अच्छा ये बता, कविता के इसके ससुराल वाले से बनती है? हाँ सर, वो तो बहुत खुश है। नहीं मतलब किसी भी चीज को लेकर आज तक उसने हमसे कोई शिकायत नहीं की। तुम्हें पता है आयुषी के साथ क्या हुआ है? आयुषी? अच्छा एक बात बताओ, ये आयुषी कैसी लड़की है? मतलब तुम्हारी भांजी है, काफी करीबी रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ, तुम्हारी उसके साथ बातचीत तो होती होगी, मिलना जुलना होता होगा? नहीं सर, मैं काम में इतना बिजी रहता हूँ, इसके अलावा आई की भी देखभाल करनी पड़ती है, इन सब कामों के बीच में आयुषी से मिलने की फुर्सत ही नहीं रहती। प्लीज एक्सक्यूज मी सर, अर्जेंट काम है, ब्रोकर आया हुआ है। ब्रोकर? हाँ सर, ये घर मैं बेच रहा हूँ। ठीक है। सर, अमित का घर कविता के घर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर। और तो और, अमित के ऑफिस जाने के रास्ते में कविता का घर आता है, उसके बावजूद भी जब से आयुषी गायब हुई है अमित वहाँ पर गया नहीं, और ना ही उसके पहले जाता था। इस मामले को अमित जितना नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना है नहीं। ये दोनों भाई बहन आपस की बात हमसे छुपा रहे हैं। सर आपको क्या लगता है कि आयुषी के गायब होने के पीछे अमित का हाथ हो सकता है? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी देसाई, लेकिन हमें ये तो पता करना पड़ेगा कि अमित ये घर बेच क्यों रहा है, कहीं आयुषी के गायब होने और इस घर के बेचने का बीच कनेक्शन तो नहीं है। करते सु? चल मेरे साथ खाना बनाने चल। अभी 5 मिनट में आ रही हूँ। 5 मिनट, 2 मिनट कुछ भी नहीं चलेगा, समझी ना? चल अभी मेरे साथ। नहीं आऊंगी, काय करना? मुझे जवाब दे रही है तू? हाँ आदि पहले खाओ। अरे वाह, देख रख इधर। सुनो तो, अच्छा मेरी बात सुन, तुमने वो वर्ड देखी है? वो देखो, मस्ती नहीं। सर, मैंने अमित के बारे में और पता करवाया, उसका जो घर है वो उसका पुश्तैनी घर है, और उसके 2 हिस्से बनते हैं, आधा अमित का और आधा कविता का। सर कविता ने अपने हिस्से में जो प्रॉपर्टी आई उसमें से उसने एक बड़ा हिस्सा अपने भाई अमित के नाम करवा दिया, वो भी बिना किसी अमाउंट के। ये देखिए उसकी रजिस्टर कॉपी। वही भाई जिससे वो मिलती भी नहीं थी। सही, इस एंगल में मुझे एक ट्रायंगल नजर आ रहा है जिसका तीसरा एंगल कुछ और ही है। जितनी प्रॉपर्टी कविता ने तुम्हारे नाम की उसके बाद भी तुम्हारा लालच शांत नहीं हुआ, हैं? इसलिए तुमने आयुषी को किडनैप किया ना? हाँ आयुषी। ये क्या बोल रहे हैं आप? कोई प्रूफ है आपके पास या मन में जो आया वो बोल दिया? आयुषी भांजी है मेरी, मैं क्यों किडनैप करूंगा उसको? सर आयुषी की किडनैपिंग में भाव का कोई हाथ नहीं है।
आयुषी खुद यहाँ से भागी, उसे किसी ने किडनैप नहीं किया है। और भगवान के लिए आप मेरे घर वालों पर शक करना बंद कीजिए और आयुषी को ढूंढिए प्लीज। देखिए, हम दिन रात एक करके आयुषी को ढूंढ ही रहे। पहले आप एक बात बताइए, आपने आपके प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा आपके भाई अमित के नाम पर किया, कोई खास वजह? क्या अमित ने जबरदस्ती वो हिस्सा उसके नाम पर करवाने के लिए कहा था? बाबा ने ताई की शादी में, मतलब कविता की शादी में बहुत पैसे खर्च किए थे। बाबा के गुजर जाने के बाद घर का खर्चा, आई की देखभाल करना सब मैं ही कर रहा था। कविता को क्या पड़ी, उसे फुर्सत ही कहाँ है हमारे लिए? खुद का घर है, अच्छा परिवार है, उसे जरूरत ही क्या है प्रॉपर्टी की? नहीं, मेरा भाव से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। मुझे पता था भाव को पैसों की जरूरत है और सही मायनों में उस प्रॉपर्टी पे भाव का ही हक है, इसलिए मैंने एक छोटा सा हिस्सा रख लिया और अपना बाकी हिस्सा भाव को दे दिया। एक बात ध्यान से सुन ले, अगर तू झूठ बोल रहा है ना तो मैं तुझे बता देता हूँ तेरी जिंदगी का ये आखिरी झूठ होगा। सर, मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे? प्रॉपर्टी को लेकर मेरे और कविता के बीच में एक दो बार कहा सुनी हुई थी। हाँ, लेकिन सिर्फ कहा सुनी। इसका ये मतलब तो नहीं होता ना कि मैंने आयुषी को किडनैप किया है। सर, अनजान कॉलर की बातों पर हम पूरी तरह से विश्वास कैसे कर सकते हैं? सही, वो कॉलर भले ही हमारे लिए अनजान हो, लेकिन वो जो भी था, आयुषी और उसके परिवार को अच्छी तरह से जानता है। एक काम करो, कविता के कॉल रिकॉर्ड्स को अच्छी तरह से छानो, शायद हमारे हाथ कुछ लगे। ओके सर। जा रही बैग ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है तुझे, समझी तुम? जो मैंने स्त्री के लिए कपड़े निकाले वो जाके गिनो, जा जल्दी। जहां एक तरफ पुलिस आयुषी को ढूंढने में जी जान से लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ आयुषी जिस परिवार के साथ रह रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे आयुषी उन्हें पहले से जानती हो। आखिर आयुषी इन्हें कैसे जानती थी, कौन थे ये लोग और आयुषी इनके पास कैसे आई? आखिर क्यों ये लोग आयुषी को इस तरह से घर में कैद करके उस पर इतने जुल्म कर रहे थे? और बड़ा सवाल ये भी था कि पुलिस आखिर कैसे आयुषी तक पहुंचेगी? सर, मैंने कविता के कॉल रिकॉर्ड्स अच्छी तरह से खंगाले, बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक नंबर ऐसा है जो ना ही कविता के घर वालों का है, ना ही किसी रिश्तेदार का, और ना ही ऐसे किसी शख्स का जो कविता के घर पर आता जाता था। लेकिन कविता की इस नंबर पर काफी बार बात हुई है सर, ये देखो। किसका नंबर है ये? सर, किसी प्रकाश महाड़िक नाम के आदमी का। प्रकाश पड़ी घर पे? कविता मैडम को घर में सीढ़ी बनवानी थी और मैं मरम्मत का काम करता हूं, इसी सिलसिले में मैं उनसे फोन पे बात करता था। अच्छा, फोन पे इतनी देर तो उन्हें सिविल इंजीनियरिंग का ट्यूशन देता था। दरअसल साहब, राजन साहब दिन भर ऑफिस में बिजी रहते थे, मजबूरन मुझे कविता मैडम को ही फोन करना पड़ता था। रात के 10 बजे तो सीढ़ी बनाने की बात करता था? हाँ साहब, मैं सीढ़ी के ही बातें करता था, मुझ पर भरोसा करो साहब आप। ये निशान कैसा है? ये साहब कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ ना, तो छोटी मोटी चोटें लगती रहती है। साइड पे? हाँ साहब, साइड पे। साहब, प्रकाश झूठ बोल रहा है, उसका कोई चोट नहीं लगी थी, उस रंजन ने उसकी धुलाई की थी। रंजन ने? क्यों? क्योंकि उन दोनों में पैसे को लेकर झगड़ा हुआ था। सर, पीछे वाले ने इसे पहचान लिया, यही प्रकाश, और फोन भी इसी ने किया।
जान बन के फोन क्यों कर रहा था तू? सच बता। सब सब मैं किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए मैंने अपना नाम नहीं बताया। कविता से तेरा चक्कर चल रहा है? नहीं साहब, कोई चक्कर वक्कर नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि रंजन साहब कविता जी को मारते पीटते थे, मुझे बुरा लगता था इसलिए मैंने आपको फोन किया। रास्ता शांत पड़ा करूं मैं, समझ ली ना? तू अपनी औकात में है, वरना तेरे को मालूम है मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूं, समझी? ऐसा नहीं है साहब कि मैंने कुछ करने की कोशिश नहीं की थी, मैंने कविता जी से बात की थी। आप ठीक तो है? आपके साथ बहुत गलत हो रहा है कविता जी, आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। मैं सिर्फ उनकी मदद करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको फोन किया। प्रकाश एकदम खोटे बोलते हो साहब, आई शपथ मैंने कभी कविता पर हाथ भी नहीं उठाया है। हाँ, मैंने प्रकाश को मारा था क्योंकि प्रकाश और कविता का लफड़ा चल रहा था, और जब कविता ने उसको छोड़ने की कोशिश की तो प्रकाश मना करने लगा। कविता ने खुद मुझे बताया ये बात, आप चाहे तो कविता को पूछ सकते हो साहब। सर रंजन सच बोल रहा है, उसने मुझे कभी नहीं मारा, गलती मेरी है, मैं बहक गई थी। और अब प्रकाश झूठ बोलकर रंजन को फंसा रहा है सर। कहीं आप रंजन के डर से ये सब तो नहीं कर रही हैं? क्योंकि आपका एक गलत बयान किसी बेकसूर को सजा दिलवा सकता है। नहीं सर, मैं किसी से नहीं डर रही हूँ और मैं झूठ भी नहीं बोल रही हूँ। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान है, मुझे नहीं पता प्रकाश ये सब क्यों बोल रहा है, शायद आप लोगों को बहकाना चाहता है। ठीक है, आप जा सकते हैं। सर मेरी आयुषी का कुछ पता चला? अभी तो नहीं पता चला है, लेकिन पता चलते ही बता देंगे। ठीक है। देसाई, अगर एक मिनट के लिए ज़ूम कर ले कि आयुषी गायब नहीं हुई बल्कि उसका किडनैप हुआ है, तो प्रकाश के पास बहुत स्ट्रांग मोटिव है उसे किडनैप करने का। रंजन पे उसे गुस्सा आया होगा और इधर कविता ने भी उसका साथ छोड़ दिया। सर अगर हम ये मान ले कि आयुषी खुद होकर घर से भाग गई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस प्रकाश ने मौके का फायदा उठा लिया? हमें आयुषी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि इस केस के कई सारे सवालों को आयुषी के सिर्फ एक जवाब का इंतजार है। अरे तुम क्या कर रही हो? अरे दरवाजा खोलो, मुझे पानी पीना। नहीं पापा मारेंगे। अरे तुम्हारे पापा को पता नहीं चलेगा, मैं जल्दी से पानी पी के आ जाऊंगी, प्लीज दरवाजा खोल दो। ठीक है। ए, किधर जा रही है? कुछ जा रही है? ए, किधर जा रही है तू इधर से? आगे रुको ना, मैं गोली चला दूंगी। Help me, आयुषी। ये आयुषी कौन है साहब? हम यहाँ उसे ही ढूंढने आए हैं। अरे साहब इधर तो कोई आयुषी नाम की लड़की रहती नहीं है, लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई। तो फिर ये पर्ची आपके कपड़ों में कहाँ से आई? सर यहाँ तो कोई नहीं है। देखा साहब, मैं बोला ना आपको इधर कोई है ही नहीं। ठीक है, चला। इन लोगों पे नजर रखो, आसपास के लोगों से पूछताछ करो, इनके घर जिन लोगों का आना जाना है उनसे भी बात करो, शायद हमें कुछ पता चले। ओके सर। पलक, क्या हुआ बेटा? पलक, पलक, पलक बेटा। अरे आप लोग देख क्या रहे? हॉस्पिटल ले जा सकते। सर पलक के आने से पहले ही मर चुकी है। ओके डॉक्टर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। क्या हुआ था पलक के साथ? साहब मैं ऑफिस आता हूं तो बाबा का कॉल आया, पलक बेड पे लेटी हुई थी, कविता छत पर कपड़े सुखा रही थी, और इसी बीच पलक बेड पर से गिर गई। साहब उस वक्त आपके आई बाबा कहां थे? भाई बाबा मंदिर गए।
हरीश के दूध वाले ने बताया कि उसने उसके घर पे एक लड़की को देखा था। ये रही उसकी स्केच। सर, मुंबई के चारकोप इलाके से कोई आयुषी देशमुख नाम की लड़की का मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुआ। ये रही उसकी फोटो, दोनों एक ही है सर। ये लड़की मुंबई से सोलापुर कैसे पहुंची? सोलापुर पुलिस से मुंबई पुलिस को आयुषी के सोलापुर में होने के बारे में पता तो चला, लेकिन अब भी उसकी कोई खबर नहीं थी। और पुलिस के लिए सबसे हैरानी की बात यह थी कि आखिर आयुषी मुंबई से इतनी दूर सोलापुर पहुंची कैसे। इस केस में मुंबई पुलिस के सामने सवाल तो कई थे, लेकिन उन्हें अब भी उस एक जवाब की तलाश थी जिसके बाद इस केस की सारी कड़ियां आपस में जुड़ सके। ओके, ओके। सर, पलक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पलक की मौत बेड से गिरने से नहीं बल्कि दम घुटने की वजह से हुई है। सर, ये तो क्लियर है कि ये मर्डर केस है। मुझे पहले से ही शक था कि ये मर्डर का केस है। मैं बताता हूँ सर, वो रंजन मेरा कजिन है सर। एक दिन वो आयुषी मेरे घर पर आई और बोली कि वो एग्जाम में फेल हो गई, तो उसके पापा ने उसे बहुत मारा। तो मैंने उससे पूछा तो वो बोली कि वो बताकर आई है कि वो सोलापुर जा रही है सर। देखिए, 11 साल की लड़की मुंबई से सोलापुर अकेले आती है और ये बोलती है कि घर में बता के आई है, तुमने विश्वास कर लिया? रंजन से बात हुई थी तेरी? शायद मेरी बात हुई सर, मेरे पापा का इंतजार कर रहा था सर। मुझे लगा कि मेरे पिताजी तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, मैंने सोचा वो आएंगे तो रंजन से बात कर लेंगे। साहब, हमारा फैमिली का मैटर ऐसा ही है, छोटी छोटी बात पर लफड़ा हो जाता है साहब। आयुषी कहाँ अभी? साहब, वो तो मेरे घर से भाग गई साहब। तो जब हम पूछताछ के लिए आए थे तब तूने हमें आयुषी के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं डर गया था साहब। मैंने उसे कभी नहीं पीटा मारा सर, मैंने कोई जबरदस्ती भी नहीं की उसके साथ। मुझे लगा पुलिस का लफड़ा हो जाएगा, इसीलिए झूठ बोलते हैं। कोई बात नहीं, हरीश की बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। फौरन उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा, पता करो कि उसके रंजन से बातचीत हुई थी या नहीं। सर, मुझे नहीं लगता कि हरीश और रंजन के बीच में कोई बात हुई होगी। देसाई आयुषी सोलापुर से हरीश के यहाँ से गायब हुई नहीं कि पलक की मौत हो गई मुंबई में। इन दोनों केसेस के बीच में जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है जो अब तक हमारी नजरों के सामने नहीं आया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आयुषी के परिवार वालों ने आयुषी के बारे में जो कहा वो सच हो? हो सकता है, क्योंकि अगर कविता की बात माने तो उसके मिसकैरेजेस में आयुषी का हाथ था, लेकिन ये पलक की मौत तो कहीं और इशारा कर रही है। एक 11 साल की छोटी बच्ची इतना बड़ा क्राइम कर सकती है या उसे ढाल बनाकर किसी और को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इसके स्कूल में, पड़ोस में किसी ने भी नहीं कहा कि उतनी वायलेंट है या गुस्सेल है। क्या आयुषी की फैमिली सच बोल रही है? सर, ये हरीश के कॉल रिकॉर्ड्स। हरीश के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक आयुषी गायब होने के 2 दिन पहले हरीश और रंजन में बात हुई, उसके बाद उन दोनों के आपस में कोई बात नहीं हुई। सर, हो सकता है कि वाकई में रंजन को यह पता ना हो कि आयुषी सोलापुर में। विषय एक बार को मान भी ले कि आयुषी अपने मां के मिसकैरेजेस के लिए जिम्मेदार है, और यह भी कि लोगों को अटेंशन पाने के लिए वो अपने आप को हर्ट करती, और यह भी मान लेते कि मुंबई से सोलापुर अकेले हरीश के पास गई, वहां रही और मुंबई आके उसने पलक को मार दिया, लेकिन ठीक उसी वक्त जब घर पे कोई भी नहीं था, क्या वो घर पे नजर रखी हुई थी? और अगर हां तो इस वक्त वो यहीं है। जल्दी चलो, इस बार या तो आयुषी को नुकसान हो सकता है या वो किसी और को नुकसान पहुंचा सकती है। अश्विन, आयुषी, अंकल की नहीं तो अपनी मम्मी की बात तो मानो बेटा, प्लीज। देखो मम्मा हाथ जोड़ती है तुम्हारे, प्लीज गन नीचे कर दो बेटा। आखिरकार आयुषी पुलिस को मिल चुकी थी और अब पुलिस को कविता के गर्भपात
आयुषी के बदन पर मिले मारपीट के वो निशान और आयुषी के सोलापुर पहुंचने से लेकर पलक की मौत तक, ऐसे कई सवालों के जवाब चाहिए थे जो उन्हें सिर्फ आयुषी ही दे सकती थी। क्या इतने दिनों तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए सिर्फ आयुषी ही जिम्मेदार थी, या फिर अब भी ऐसे कुछ राज थे जिन पर से पर्दा उठना अभी बाकी था? जब आयुषी पैदा हुई, मेरे घर वालों ने मुझ पर टॉर्चर करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें बेटी नहीं बेटा चाहिए था। और जब मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो मुझे लगा अगर बेटी होगी तो ये लोग मेरा जीना मुश्किल कर देंगे, और अगर कहीं बेटा हुआ तो आयुषी को इग्नोर करेंगे, उसका जीना मुश्किल कर देंगे। तो तुम चाहती थी कि तुम्हारी इकलौती औलाद हो ताकि उसकी देखभाल अच्छे से हो सके। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे मिसकैरेजेस के पीछे तुम जिम्मेदार थी, आयुषी नहीं। फिर ये क्यों बोला कि आयुषी ने तुम्हारे पेट पे पत्थर मारा था? हाँ सर, मैंने झूठ बोला। जब मेरा अबॉर्शन हुआ उसके बाद रंजन आयुषी के पीछे ही पड़ गया। नहीं बाबा, बाबा, नहीं बाबा, नहीं बाबा। और मेरे और आयुषी के साथ आए दिन मारपीट करने लगा। आज तो मैं आयुषी को ऊपर से नीचे फेंक ही डालता हूँ। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं भय मरती हूँ आपके, आप जो बोलेंगे मैं करूंगी। आयुषी को कुछ मत कीजिए। जब आप लोग आयुषी के बारे में पूछताछ करने लगे तो हम सब बहुत डर गए, और रंजन ने डर के मारे। बता बताता हूँ। हरीश हर हफ्ते शोलापुर से मुंबई आता था अपने दुकान के लिए सामान खरीदने। मैंने आयुषी को उसके साथ भेज दिया। मेरा भाई प्रॉपर्टी में ज्यादा हिस्सा चाहता था, तो मैंने मैंने उसे कहा मैं उसे अपना हिस्सा भी दे दूंगी अगर वो मेरी बच्चियों की देखभाल करे। पर प्रॉपर्टी पाते ही उसने अपना वादा तोड़ दिया, और फिर एक दिन आयुषी का फोन आया। हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? आयुषी बेटा कशी है तू? आयुषी 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 कुछ तो बोल बेटा। काले काली, आज तेरा यार है ना पुलिस स्टेशन में गया था, और उसकी वजह से मेरे को पुलिस स्टेशन बुलाया था। मेरे को कुछ भी हुआ ना तो तुम माँ बेटी को छोड़ूंगा नहीं। मैं मजबूर थी, कहाँ जाती क्या करती, कोई भी सहारा नहीं था। प्रकाश ने भी मेरा फोन नहीं उठाया, तब मैंने ये फैसला लिया। पलक की जिंदगी भी अपनी आंखों के सामने खराब होते हुए नहीं देख सकती थी सर। हरीश और देविका आयुषी को गलत तरीके से रखने और एक नाबालिग बच्ची को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में आईपीसी की धारा 320, 321, 324 और 340 के तहत 3 साल की सजा काट रहे हैं। हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक औरत घर को जोड़ने का काम करती है। औरत का काम है परिवार को सहेज कर संभाल कर रखे और उसे अच्छे से आगे लेकर चले। हम ये भी सुनते आते हैं कि औरत एक साथ कई किरदार बखूबी निभा सकती है, फिर चाहे वो माँ का हो, बेटी का हो, बहन का हो या फिर बीवी का। कहने को तो आज हम 21वीं सदी के अत्याधुनिक युग में जी रहे हैं, लेकिन क्या हम में से किसी ने भी औरतों को वो स्वतंत्रता, वो अधिकार देने की कोशिश की है जो उन्हें मिलना चाहिए? अक्सर समाज की हमारी इन्हीं रीतियों और पुरुषों द्वारा बनाए गए रिश्तों के मापदंडों पर खरे उतरते उतरते कई औरतें जुर्म का शिकार बन जाती हैं, या फिर खुद जुर्म कर बैठती हैं। कई लोग ये सोच सकते हैं कि जिस बदलाव की हम बात कर रहे हैं वो रातों रात हो जाए, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि इस बदलाव का ये रास्ता हमारे अपने घर से ही शुरू होता है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। इफ यू वॉन्ट टू एंजॉय मोर क्राइम फाइल्स कॉन्टेंट लाइक दिस, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन।